कल मैनू एक वीडियो व्हाट्सएप पे आई सी जिद अपना चाय वाला रणजीत एवन्यू ये एक पिज़्ज़ा के सूरी चली फिरती सी जिस असी एक्शन लेंदे हुए जो कि अज असी इतने आए हैं इन्हें भी किचन की इंस्पैक्शन की है किचन के जो डस्टबिन से अनकवर्ड से और चॉपिंग बोर्ड्स भी जोड़े से कंटैमिनेटेड से एंड कुछ एक अद्धा बेसन का पैकेट से जो खुले हुआ से एक्सपायर्ड से उसमें असं डिस्ट्रॉय करा दिता और इन्ह का जोड़ा पनीर से वह असं सैंपल ले लिया जिस चाय पत्ती यूज करते हैं वह सैंपल ले लिया और ना ही अपना इन्होंने नोटिस इशू कर दिता जी मेरी यही है कि सानू डिपार्टमेंट नू लगातार जोड़ा सुंडियाँ वगैरह वाले कंप्लेट जी बड़े रेस्टोरेंट्स पिछले कल सू एक पैलेस वाले कंप्लेट से सो डिपार्टमेंट अपना जोड़ा है चीज़ा प्रिपेयर करो एक्सपायर्ड आइटम्स में जोड़ा है उस हालत बर्दाश्त किया जाएगा जेकर फिर भी ये तुम लोग नहीं समझते तो डिपार्टमेंट ने जो अपना सख्त रुख रुख जोड़ा है अख्तियार करना पड़ेगा लोग क्यों नहीं समझते समान जो रखते हैं तरीका लंघ जाते हैं एक्सपायर हो जाता क्यों नहीं समझते जी देखो गल इस तरह होंगी है जी जिस तरह ये की करते हैं ये जिस तरह साढ़े स्टोरस ने उत्थे की होंगे 15 दिन 20 दिन या 30 दिन पहला एक्सपायरी तो समान ही ले आते हैं और इन्हों का जो यूज़ घट होने करके फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे कि चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है सो मेरी हूँ साड़ी भी सानू क्योंकि लगातार एक तो बाद एक कंप्लेंट्स आ रही हैं तो डिपार्टमेंट भी अगर यहोजा काम तुम लोग करोगे तो डिपार्टमेंट फिर सख्त तो सख्त एक्शन लेगा फिर ना कहा जाए कि सानू जो डिपार्टमेंट तंग कर जो स्पेयर हो जाने को लगता है कोई मर भी सकता है या कोई हादसा भी हो सकता है ये देखो नहीं चीज़ का इस तरह होंगे जो कोई चीज़ दी सी बेस्ट बिफोर लिखी है डेट तो इट मीनस कि उस तो बाद जी चीज़ा की खाने की जी कई तरीके की कॉन्स्टिपेशन आ सकती हैं यस अगर कोई भी चीज़ मतलब साल दो साल तो बाद एक्सपायर्ड है तो ओबियसली कोई ना कोई भी मिसहैपनिंग भी होने के चांसिस रहे जुर्माना पाया या कोई नहीं अभी सैंपल ले लिया जी और चलान इन्हों का इशू कर दिता है।